बोलो कर। ट्विंकल ट्विंकल बोल, ट्विंकल ट्विंकल ये वाले पढ़ने मुझे तो लिटिल स्टार हाउ आर वंडर आर आर अप अपॉन द वर्सो हाई अप अपॉन द वर्सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई लाइक ए डायमंड इन द स्काई मिटा अंधेरा देखो बच्चों आओ सवेरा हुआ सवेरा जागो अब मत सो अब ना सो इतना सुंदर बस है समय न खो ओके रंग बिरंगी पंखों वाली रंग बिरंगी पंखों वाली उड़ती है वो डाली डाली फूलों की कहलाती रानी अच्छे से पलोथी मार के सुनो छोटी है पर बड़ी शानी कायरो को पढ़ाई करवाई अवनी को करवाई डेली स्कूल जा रहा है कायरो भी अवनी भी और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ तो फेर के बर्तन है खाने के जब बच्चे आते हैं तभी मैं खाना बनाती हूँ मैं सोचती हूँ कि अकेली क्या ही बनाऊँ जब सुबह के टाइम में नाश्ता वगैरह बना देती हूँ तो फिर बच्चों के आने के बाद ही बनाती हूँ और मैं तो पूजा पाठ वगैरह करके नाश्ता अगर कर लिया तो कर लिया नहीं तो नहीं मैं फिर दोपहर में ही खाना खाती हूँ नाश्ता मैं कम ही करती हूँ बस चाय एक कप चाय काफ़ी हो जाती है मेरे लिए और 1:30 बजे के आसपास बच्चे आवे तो मैं 12:30-1 बजे लग जाती हूँ खाना बनाने के लिए और सब्जी वब्जी बना के रेडी कर देती हूँ बस आटा साथ के साथ बना के फिर इतने ड्रेस वगैरह कपड़े वगैरह निकलवाती हूँ उनके चेंज करवाती हूँ बैग वगैरह रखती हूँ 10-15 मिनट के बाद फिर मैं रोटी बना देती हूँ पानी उनी देती हूँ आते के साथ ही उन्हें और अभी है ना दोनों बहन भाई जो है ना खेल रहे पहले उनको थोड़ी पढ़ाई करवा दी उसके बाद थोड़ा सा खेलना भी ज़रूरी है अभी ये तो नहीं कि पूरे दिन बुक्स के लेके बैठे रहे थोड़ा बहुत देर खेल लें फिर ट्यूशन में जाएंगे मैंने कहा थोड़ा टाइम है तो ट्यूशन में निकल जाना अपना इतना कर लो थोड़ा बहुत खेल लो दोनों बहन भाई और मैं तो यही अपने कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ इतने मुझे कमेंट किया था कि जब आप वीडियो बनाया करो तो दुपट्टा डाल के रखा करो अच्छा नहीं लगता ठीक है जी आगे से मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ और यहाँ पे अभी भी है ना बर्तन साफ़ करे हुए तो ये उठा के ले जा रही हूँ पीछे का कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है कितना मन लग रहा है मौसम में 2-3 दिन से बदलाव है अवनी के बालों के पीछे की चोटी बन जाती है अब जब थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है उसको बोलती है मम्मी आगे की मत बनाओ जब सब लोग बोलते हैं तो अब है ना पीछे की बना दो एक चोटी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा वो भी रही अब तो गर्मी थोड़ा मौसम में जो है ना बदलाव हो रहा है कभी सर्दी कभी कभी हवा चलती है ठंडी ठंडी तो मौसम बदला लगता है अच्छा लगता है वरना बाद में इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा अभी से ही स्टार्टिंग हो गई है गर्मी की भी पूरा महीना पड़ा है जुलाई अगस्त जो ये दोनों ट्यूशन जाने वाले थे तो कह रहे मम्मी 1-2 रुपए दे तो मैंने कहा बेटा पैसे है नहीं बिल्कुल भी जो बर्तन साफ करे हुए थे अभी भी इनको है ना जहाँ इनकी जगह है वहाँ पर सेट कर देती हूँ बास्केट वगैरह बास्केट में और ये कटोरी छोटे वाली बास्केट में कंच के बर्तन जो है एक साइड में छोटी बास्केट है उसमें और टिफ़िन वगैरह बच्चों के ऊपर ये ग्लास भगोने वगैरह अलग सब बर्तनों की अपनी अपनी जगह बना के रखी हुई है मैंने फटाफट से सेट कर देती हूँ यहाँ पे मैं कॉल सुन रही थी बात कर रही थी और साथ के साथ अपना काम भी कर रही थी तो यहाँ पे ना अभी यहाँ पे खेल रहा था तो यहाँ ना चौकी के पास में कीचड़ हो रहा है हल्का सा ये यहाँ पे आके बढ़ गया बॉल उठाने के चक्कर में इसकी चप्पल गंदी हो गई है वो भी धोनी है और एक जो सर्फ का डब्बा है वो उसका सर्फ ख़त्म हो रहा था तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था उसको साफ़ करके अभी है ना रखूँगी क्योंकि इसमें मुझे फिर सर्फ घालना है अब ये तो नहीं कि ऐसे ही फेंक दो फिर नया बना लो इसको साफ़ करके अभी अच्छे से पानी से धो दूँगी अंदर से बाहर से इसका ढक्कन भी साफ़ कर लिया इसको रख दूँगी फिर सर्फ का पैकेट जैसे ही आएगा इसमें सर्फ डाल के रख दूँगी पैकेट में रखते हैं ना तो फिर ऐसे रखा था खिड़ने का डर रहता है डब्बे में डाल के रख देती हूँ ढक्कन लगा के आराम से एक साइड रख देती हूँ नल अब और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है कम से कम 15-20 हफ्ते लगानी पड़ती है जब लाइट आती है मोटर चढ़ाने के लिए इतना परेशान करके रखा है 5-5 मिनट के बाद उतर जाता है इसमें तसले में थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ क्योंकि ये भी बहुत गंदा हो रहा था एक हमारे यहाँ पे जब से टावर लगा ना नुकसान तो है ही कबूतर इतने ज़्यादा हो गए हैं सारे दिन वेट करते रहे हैं पानी भर के दर्द वो भी ख़राब कर दे रहे हैं तसले में तसला हो उसमें चौकी पर सारे दिन इतना बुरा हाल है क्या ही आप लोग यकीन करोगे बहुत बुरी स्थिति करके रखी हुई है पानी भी भर के नहीं रख सकते उड़ा हुआ है एकदम कौवे कबूतर बीट कर देते हैं ऊपर से चौकी का बुरा हाल बना रखा है तसले में पानी भर के रखा था इसको भी साफ़ कर दूँगी अभी और यहाँ से साइड का नज़ारा देखो कितना प्यार लगता है इधर उधर कैमरा सेट करके दिखा देती हूँ थोड़ा मेरा घर कैसा लग रहा है मैं सोच रही हूँ कि एक मिट्टी का चूल्हा बना लेती हूँ कभी कभार चूल्हे पर काम कर लिया करेंगे
सोच रहे हैं अभी, बाकी आगे देखा जाएगा। थोड़ा सा और भी कुछ सोच रही हूँ, जो भी होगा आप लोगों के साथ में सब डिसाइड हो जाएगा। दरअसल क्या है ना, ये उपले यहाँ पे रखे हुए थे, मम्मी ने मेरे बाद यूज में लिए होंगे, कुछ काम किया होगा तब से यहीं रखे हैं। और यहाँ बहुत गंदे लग रहे हैं रखे हुए, मैं पानी डाल देती हूँ। यहाँ पे सीमेंट का गोल सा डलवा रखा, तो यहाँ से मैं इनको उठा देती हूँ। अच्छे नहीं लग रहे, भीग जाएंगे और मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। कायरों से अवनी की आँख में उंगली लग गई, तो वो उसको हवा कर रही, तो वो इतना ज़्यादा हंस रही, हाँ भाई इधर भी दुख रहा, यहाँ भी फूंक कर दे फूंक कर दे, मतलब जानबूझ के उससे फूंक लगवा रही। दोनों बहन भाई पूरी मस्ती कर रहे थे, कह रहे चल मेरी साथ में खेल, मैंने अब तेरे चेहरे पे फूंक कर दिया। और यहाँ शाम के खाने में हम बना रहे हैं तोरी, और कल सुबह क्या बनाएंगे आगे वीडियो में शेयर हो जाएगा, तोरी की सब्जी। और रात में जो है ना अवनी ब्रश कर रही है दूध वगैरह पीने के बाद में, मम्मी रात को ब्रश करके सोती हूँ मैं, सहना दांत तो मैं जम्स नहीं होंगे, मैंने कहा वेरी गुड। और ये कायरो बाबू भी कर रहे थे, मैं भी कर लेता हूँ, इसको आता नहीं है पर लगा रहता है, फिर भी उसको सिखा, मैं थोड़ा बता देती हूँ। बच्चा है ना, इसको कभी निकालता कभी करता, मैंने कहा बेटा ऐसे करते हैं, एक बार चीज़ बता दो वैसे समझ जाता है। और अभी मैं लग गई हूँ फ्रिज में, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कटोरी रखी है मैं निकालनी है मुझे, जिनमें कुछ सामान रखे हुए अभी यूज में नहीं आ रहे। और अभी जैसे नाइट हो रही है, तो नाइट में तेल लगाते हैं हम, आदिवासी तेल जो है, इन नाइट में लगा के अवनी के सर में हल्की सी मालिश कर दूँगी हल्के हाथ से। और सुबह फिर यह शैम्पू कर लेगी, तो हफ्ते में ये 3 दिन लगाना है। तो अभी यहाँ पे बस इसको लगा दिया, फिर इसको अभी दूध दे दिया है पीने के लिए। और कायरो शायद जो है ना जग रहा है या सो रहा है, मुझे सो गया है क्या, मेरे मुझे ही नहीं पता चल रहा था वो सो गया। थक जाता है, दिन भर स्कूल जाता है फिर ट्यूशन जाता है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। टुडे है सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने छोंक दिया तहरी। अवनी का मन था कि मम्मी मैं कल तहरी लेके जाऊंगी, रात में ही बोल दिया था कि मेरे लिए तहरी बना कर रखना। मैंने कहा ओके, पूछ लेती हूँ कि बेटा सुबह क्या लेके जाना है, तो बता दिया था मम्मी सुबह को है ना तहरी लेके जानी है। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल जाने का टाइम होता है, यही काम का टाइम रहता है, तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो फिर सबसे पहले ना इनके कपड़े वगैरह वैसे रात में प्रेस कर देती हूँ, पर ये वाले कपड़े जो है ना गंदे हो रहे थे, रात के रात धुले, सुबह इसको अब जब पहन के जाने तो इन पर अभी ना प्रेस कर दिया। नहाने जा रही है अपनी, और कायरव को रेडी करना है, तो अभी कायरव को मैं नहा के ले आई हूँ, इसको रेडी कर देती हूँ। थोड़ा सा है ना सुबह सुबह बच्चा जैसे सोता रहता है, सोते को उठा देते हैं तो थोड़ा किलस जाता है, किलसा हुआ सा के साथ ही कोलगेट वगैरह कराती हूँ, फ्रेश होने जाता है, फिर नहाता है, तो थोड़ा सा बच्चा है ना एकदम ही उठा दिया, फिर उसके बाद जो है ना इसको दूध देती हूँ और अपनी को भी। अब यहाँ पर उसको रेडी कर दिया, इनके लंच बॉक्स रेडी हैं दोनों के, तहरी दे दिए, चम्मच इनके बैग में रख दिया। मैंने कहा बेटा कुछ दिन और झेल लो, फिर उसके बाद जो है आपके स्टील के टिफ़न ले आऊँगी मैं। और कायरो बाबू जी जो है ना वो भी रेडी है, अवनी भी रेडी है, कायरो बैठा हुआ है चेयर पर, थोड़ा सा किलस ही रहा था अभी, आप फर्स्ट टाइम मेरे से इतने दूर जाता है रोज़। अवनी थोड़ी सी तहरी खा रही थी, मम्मी मैं थोड़ी सी खा के जाऊँगी, इनके पापा भी निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए, और इनकी गाड़ी आने का भी टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी जा रहे हैं, और बच्चों की गाड़ी का टाइम है। बाहर निकल के चली गई थी, बच्चे स्कूल में जा चुके हैं, अभी मैं लगा रही हूँ रूम में पोछा, बस बच्चों के जाने का इंतजार रहता है। जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो फिर मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, कभी कभार पहले भी कर लेती हूँ, 5:30 बजे उठ जाती हूँ। मैं सोचूँ भी टाइम चेंज करूँ, 5 बजे उठना शुरू करूँ, और साथ के साथ ना बेटी और बेटों को भी उठाऊँ थोड़ा सा, वो है ना अपना घूमे फिरे, और उसके बाद अपना फिर तसल्ली में आराम से तैयार हो जाते हैं। वैसे इतना टाइम रहता है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए सुबह सुबह, मैं भी घूमूं उनको भी घुमाऊं। वैसे मेरे क्या ही यकीन करोगे, घर में 10 चक्कर आराम से, सुबह के 10 में भी 20 मान लो इधर से उधर के लग जाते हैं। पानी गर्म करना, नहाने के लिए धरना, फिर उन्हें नहाना, कहीं टावल, कहीं साई, कहीं तेल, कहीं खाना, कहीं बनाना, कभी बाल्टी भरनी, कहीं टुलकुम चलाना, गिनती जन कितने काम, इतने चक्कर मेरे पकड़ के लग जाए, मुझे वॉक करने की वैसे सुबह सुबह ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि छोटे छोटे काम ऐसे हों जो कैमरे में नहीं आते, जिनकी कोई गिनती नहीं होती। तो अभी यहाँ पे फिलहाल जो है ना मैं पोछा लगा रही हूँ, तो बच्चे निकल गए तो अब मैं थोड़ी फारिग हो जाऊँगी। ये है कि बच्चों की गाड़ी समय से आ जाती है, मेरा काम थोड़ा लेट हो जाएगा, बच्चों की गाड़ी नहीं निकलनी चाहिए। और ये जो मेरा ब्लैक कलर का पेटीकोट है, इसको मैं ना भिगो के रख देती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के कुछ टाइम के लिए, सोची कि हल्का सा नमक डाल दूँ और पता भी चल जाएगा, एक बार के भिगोने से इसका कलर तो नहीं निकलेगा, पर मुझे लग रहा है पक्का कलर निकलेगा। 5 से 10 मिनट के लिए इसको भिगो के रख देते,
हेलो माय फैमिली मेंबर्स, राम राम जी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। ब्लॉग कर क्या स्टार्टिंग बोलो, सुबह से ही हो गया। अच्छे सुबह से ही हो गया था। सुबह सुबह बच्चे निकल गए थे, उनको रेडी करके स्कूल भेज दिया था। अपनी कायरों को अच्छे से नहा के कोलगेट ब्रश वगैरह करा के दूध दे दिया था। मैं सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम में ना खाने पीने को कुछ ना दे, दूध दे दे करूँ। एक गिलास दूध दोनों को दिया था, पर फिर भी अपनी ने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। मम्मी थोड़ी सी खिचड़ी खानी है, लंच बॉक्स में खिचड़ी लेके गए हैं। मैंने आटा छान भी लिया था, सब्जी बनाने वाली थी। नहीं मम्मी आज खिचड़ी लेके जाना है। मैंने कहा चलो खिचड़ी ले जाओ। और फिलहाल मैं नहा के आ गई और अभी मुझे नहाने हैं गोपाल जी। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ करूँगी, फिर आप लोगों से बात करूँगी। तो गोपाल जी को नहाने के बाद मिलते हैं। काफ़ी सारे है ना कपड़े हो रखे थे, तो मशीन लगा के रखी हुई है। थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, हर 5 मिनट के बाद मोटर बंद हो जाता है, तो सोचा मशीन ही लगा ले। यहाँ पे मैंने मशीन चला के रखी हुई है और मम्मी भी कपड़े धो रही थी, मैं भी धो रही थी। एक आयरो के जो है ना शादी वाले शूज भी हैं, घर के कपड़े हो रहे थे। शादी के कपड़े तो बल्कि मैंने अभी उठा के रखे हुए हैं, बाद में धोंगे क्योंकि पहले घर के ही नहीं खत्म हो रहे, घर के इतने कपड़े हो रहे। यहाँ मैं कपड़े धोने लगी तो मम्मी भी धो रही थी, वो उठ के चल दी। फिर मैंने कहा यहीं पर बैठ के धो लो, मैं एक साइड धो लूँ, क्योंकि मैं उनकी वेट करूँगी या वो मेरी वेट करेंगी, तो काम दोनों में से कोई सी का भी नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि वो भी यहाँ पेड़ जो लगा है उसकी छाँव में बैठ के आराम से धो रही थी। फिर मैंने कहा मैं तो इस साइड धो लूँगी, तुम धो लो आराम से। वो बोले या ना बोले, पर मैं बोल जाती हूँ कभी, काम के लिए बोल देती हूँ कि तुम यहाँ कर लो, मैं इधर कर लूँगी, कोई बात नहीं। मैं अपना पीछे की साइड लग गई थी, मैं तो मशीन के पास में मेरा काम था, मुझे कपड़े झकोलने, सुखाने, काटने, निकालने, ये था। नए कपड़े जो है हमारे शादी के, वो मैंने अभी इसलिए रख रखे कि लास्ट में ही धोऊँगी। अब इन कपड़ों में तो वो डाले नहीं जाने के, शूज़ है कायरों के ये भी धोने। मम्मी के तो कपड़े धुल गए थे, बस एक दो कपड़ा धुला उन्होंने मतलब जो है, और मेरे काफ़ी सारे हो रहे थे। तो मैं तो लगी हुई थी अपने काम में। अब इससे पहले कि मोटर बंद हो जाए तो फटाफट से जोकल जोकल के सुखाने वाले में डाल दूँ, थोड़ी सी धूप में ही सूख जाएंगे। और रोज़ की रोज़ धोने पड़ते हैं, काम नहीं चलता, फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बच्चों का भी होता है, क्योंकि अभी विदाउट जा रहे हैं, अभी ड्रेस नहीं बनी, तो उनको भी फिर ऐसा तो है नहीं कि जैसे घर में पहने वैसे ही पहना के भेज दें, थोड़े तमीज़ के कपड़े पहना के भेजने पड़ते हैं स्कूल में। मम्मी के धुल गए, मम्मी खड़ी होगी अभी सुखाने के लिए जा रही है। इधर देख रहे हो कितना घास हो गया। तो सास बहू ने आज एक साथ बैठकर चौकी पर काम किया। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर।